तो कैसे हो गाइस, आज हम आए हैं बर्ड पार्क में, चंडीगढ़ का बर्ड पार्क जो अभी कुछ ही महीने पहले बन के तैयार हुआ था। देखिए यहाँ की हरियाली क्या लिख रखा है, नगर वन। बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। तो ये एंट्री द्वार, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये मैप है यहाँ का, जो सुखना लेक के बिल्कुल साइड में ही पड़ता है। ये बता रखा है बर्ड्स पार्क, नक्षत्रा वाटिका वगैरह, जिसको जहाँ जाना हो जाओ। ये टाइमिंग है सिटी सिटी फॉरेस्ट। छोटे छोटे पत्थरों के साइडों में घास का इस्तेमाल किया ये गया है। इतने पक्षी हैं इस फॉरेस्ट में, पक्षियों की प्रजाति को सलामत रखने के लिए ये बनाया गया है। डस्टबिन, ये अपना सेल्फी पॉइंट है जी। अक्सर यहाँ सेल्फियाँ बहुत सुंदर आती है। अब आपको कुछ नया दिखाते हैं। जो ये देखिए, हाथी की सुंदर मूर्ति सी बना रखी है, हाथी की घास से। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये सुंदर रास्ता है, हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ। देखिए ये बाज है जिनके पैरों में मछली है, एक असली कैसे लग रहे हैं ये देखिए ज़रा। तो घूमते घूमते हम आ गए हैं पार्क के बीच में। ये देखिए कितना सुंदर पार्क है। पार्क के बाद अब चलते हैं आगे, देखिए इस वॉल को कैसे पूरा रंगीन कर तो रखा ये है। है दोस्तों, दीवार पर सुंदर सुंदर चित्रकारी कर रखी है। बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा, क्यों पूरी लंबी वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो जो आपके देखने लायक पार्ट्स होंगे सिर्फ वही डालूँगा मैं इसमें, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई। ये टिकट का चार्ट है दोस्तों, चिल्ड्रंस के लिए कितनी, एडल्ट्स के लिए कितने हैं टिकट। तो टिकट काउंटर से हमने दोस्तों टिकट खरीद ली है। टिकट के बारे में बता देना चाहता हूँ, बेसिक टिकट है यहाँ 50 रुपये की एडल्ट की, और जो अंदर जो बर्ड्स को पास से देखने के लिए टिकट है यहाँ 100 रुपये पर कैंडिडेट। तो टिकट वगैरह हमने ले ली है, अब अंदर जाने की बारी है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये है दोस्तों मेन गेट, चंडीगढ़ बर्ड्स पार्क का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है। तो आइए देखते हैं आगे, चलते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। बस रोक दे। और ये अभी देखते हैं अंदर जाके क्या नज़ारा रहता है दोस्तों। संकल्प को उठा के एंट्री करनी पड़ती है यहाँ। पक्षियों का आश्रय है, ऊपर से पूरा नेट से ब्लॉक कर रखा है अंदर। ये हमारे दर्शक भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा कीचड़ तो हो रहा है यहाँ, लेकिन देखिए गाइस ऊपर से चिनूक हेलीकॉप्टर भी गुजर के गया है अभी अभी, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया है। और ये देखिए बतख संग्रह गाइस, ये बतख संग्रह। भाई साहब सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ये देखिए वाइट डक, इसी के लिए ऊपर से पूरा कवर कर रखा है, ग्रीन कपड़ा भी लगा रखा है ताकि धूप वगैरह ना आए इनके लिए। और ये भाई साहब पूरी अच्छी सफाई करके ही रहेंगे। ये हमारा पहला पक्षियों का जाल है, खुजली आ रही है डक को, देखिए ज़रा दो, ये पानी में इधर घूम रही है अभी, फुहारे बंद कर दिए शायद। ऐसा है अब तक ये तो पता नहीं, लेकिन इसको आ रही है खुजली।
ये पता है। चलो आगे देखते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्लैक डक। ये इनका भोजन हरा भरा, पानी इसी के अंदर से पी लेती है ब्लैक डक। और ये इनके रहने की जगह देखिए दोस्तों। रास्ता देखिए गाइस, पूरी हरियाली भरा रास्ता है पूरे रास्ते। बड़ा आनंद महसूस हो रहा है यहाँ आगे। ये रास्ता है दोस्तों एक नेट से दूसरे नेट के बीच में जाने का, थोड़ा स्टाइल सही कर लेते हैं। ये सेकंड नेट की है, इसके अंदर प्यारे प्यारे तोते हैं, बड़े सुंदर नज़ारा है। ये देखिए कितना प्यारा तोता है हमारे पास। ये हमारा पूरा सेकंड नेट है, देखिए ज़रा पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से लेके ये ऊपर जो नेट बना रखा है बड़ा सुंदर बना रखा है, और पूरे पक्षी प्रोटेक्ट भी है इसमें। ये देखिए पक्षियों के रहने के लिए कितने खूबसूरत घोंसले बना रखे हैं, लकड़ी से ही बनाए हुए हैं ये पेड़ के ऊपर, इनमें पक्षी बारिश वगैरह आने पर रहते हैं। ये देखिए आपस में, ये अंदर का मेन व्यू है अभी, जहाँ बड़े बड़े पक्षी वो देखो उधर आगे दिखाएंगे आपको। ऊपर बैठा है तोता बहुत बड़ा है। बड़ा अच्छा नज़ारा है भाई। ये देखिए फ्रेंड्स, येलो और ग्रीन कलर के हैं छोटे छोटे तोते, कितने सुंदर सुंदर तोते हैं। और ये अपना ब्लू कलर है, वाइट और येलो है, चोंच इसकी ब्लैक कलर की है, कितना बड़ा तोता है। ये देखिए दो बैठे हैं जी, बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे है भाई। ये पक्षियों की पहचाने की आवाज़ कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर रास्ता है देखिए ज़रा। यहाँ थोड़ा चुप रहना पड़ेगा हमें, एक पक्षी डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पे। हाँ 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 बोलो 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 बोलो। हेलो मिठू, क्या खा रहे हैं मिठू, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? हाँ जी बोलिए। ये देखिए बिल्कुल ऊपर आके बैठ गए, क्या खाएगा अभी, क्या खाना है बता दे, क्या खाना है? हाँ बोलो बोलो, क्या खाना है? पहले काम करता हूँ, देर को 10 रुपये दे देता हूँ, तो अपने आप ही जाके खाया, ठीक है? आ जा आ जा। बादाम खाए जा रहे हैं भाई साहब के द्वारा, बादाम खा रहे हैं, बादाम खा रहे हो, मेरी नाक मत खा जाइए। ये देखिए पैरोट, बिल्कुल नज़दीक से कैप्चर की गई फोटो, उड़ भी नहीं रहे भाई साहब, फोन को मत खा जाइयो, फोन को नहीं खाना बेटे ना, अच्छी बात नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा तोता है, मतलब वाह वाह वाह, क्या कह रहे हो मेरे को, कुछ बोलना चाह रहे लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हो मेरे को ये बताओ, बताइए क्या कहना चाह रहे हो। ये देखिए ज़रा बड़ा सुंदर है भाई साहब, आप उतर जाओ, क्या बता रहे हो, कान में उतर जाओ, उतरना नहीं है क्या? तो इसको कूलर की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ओह रुको रुको रुको, हवा लग गई, अच्छा 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 इधर आ जाओ, अच्छा हवा से परहेज है आपको ये कह रहे हो, कूलर के आगे से हटना है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये पक्का दोस्त बन गया अभी मेरा, मेरे साथ ही चलेगा, एक चलेगा ना, कान में बता दे चलेगा, बोल जा, बोल ही नहीं रहा ये तो, कमाल कर दिया इसने तो, बोल नहीं रहा ये, चलो इसको हवा लगेगी फिर उठने की कोशिश करेगा ये, लेकिन इसको वहीं उतारेंगे, ठीक है
चलो भाई जाओ ऊपर अपनी जगह पे जाओ जाओ ऊपर ऊपर चले जाओ ऊपर जाओ नहीं उड़ना। अच्छा मेरे साथ चलेगा ठीक है सोच मार के गया है कह रहा है उतरूंगा नहीं। ये देखो नाराज हो गया नाराज हो गया। आज का हमारा सफ़र पूरा हुआ ये थैंक्स फॉर विजिट का बोर्ड है भाई। हाँ तो दोस्तों ये था अपना बर्ड्स पार्क का व्लॉग जिसमें आपने बहुत सी चीज़ें देखी तोते ब्लैक डक वाइट डक मछलियाँ मोर वगैरह बहुत सी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली। तो ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा चंडीगढ़ की हमने सभी चीज़ें जो देखने लायक थी वो सभी विज़िट की हैं तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को आगे शेयर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।